वेलकम एवरी वन हाउ आर यू टूडे विल स्टडी चैप्टर टेन ऑफ क्लास टेन सर्कल्स एक्सरसाइज टेन पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर फाइव प्रूव दैट पर पेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर क्या गिवन है कि हमें ये प्रूव करना है कि टेंजेंट टू ए सर्कल पॉइंट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक सर्कल है उसके ऊपर एक टेंजेंट है और उस टेंजेंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से हम ड्रा करेंगे वो सेंटर में से पास होगा सो लेट इस ड्रॉ द फिगर फर्स्टली एक सर्कल है और उसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है मान लो ये टेंजेंट है ए बी और ये ए बी टेंजेंट सर्कल को पी पॉइंट पर टच कर रहा है और इस पॉइंट पी से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो हमें ये प्रूव करना है कि जो हमने पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो हमेशा सेंटर में से पास होगा दिस वी हैव टू प्रूव अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को तो इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि वॉट इज गिवन गिवन क्या है सर्कल अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड अटेंजेंट ए बी इज ड्रॉन टू द सर्कल विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी और हमें प्रूव क्या करना है टू प्रूव जो हमने टेंजन ड्रॉ किया है हमें ये प्रूव करना है कि ये सर्कल के सेंटर से पास होता है कोई भी अगर टेंजन हो उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो सर्कल के सेंटर में से पास होगा साथ में गिवन में हम ये भी लिख सकते हैं एंड ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है कि जो परपेंडिकुलर है वो सर्कल के सेंटर में से पास होता है दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ए बी पासिस पी ओ पी जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओ पी पासिस थ्रू द पॉइंट ओ ये हमने प्रूव करना है उसके बाद अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को कॉन्ट्रोडिक्शन मैथड से करेंगे हम ये सपोज कर लेते हैं कि हम ये uh, मान कर चलते हैं कि लेट द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द टेंजेंट डज नाट पासिस थ्रू ओ हम ये मानते हैं कि ओ में से पास नहीं होता तो किसी और पॉइंट में से पास हो गया होता लेट दिस पॉइंट दिस परपेंडिकुलर पासिस थ्रू पॉइंट ओ डैश हम ये मान लेते हैं कि जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है ये ओ पॉइंट में से पास नहीं होता ये एक और पॉइंट में से पास होता है ओ डैश में से तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे लेट द परपेंडिकुलर ओ पी लेट परपेंडिकुलर ओ पी डज नॉट पास थ्रू the point O. Let it passes through the point. Let it passes through the point O dash. मान लो कि एक O dash point से pass होता है. ये हमने मान लिया. तो अब हम क्या करेंगे? Proof में लिखेंगे. कि हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि टेंजेंट इज़ परपेंडिकुलर इज़ आलवेज़ रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट इज़ आलवेज़ परपेंडिकुलर ये हमें पता है और अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये ये जो एंगल है हमारा ओ पी बी ये नाइन्टी डिग्री का होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ओ पी बी इज़ इक्वल टू नाइन्टी डिग्री बिकॉज रेडियस इज रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट कि रेडियस जो है हमेशा टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है और अगर हमें ये गिवन है कि ओ जो है वो सेंटर है तब ये एंगल क्या होगा ओ पी बी इक्ल टू नाइन्टी डिग्री पहले तो हमें जो स्टेटमेंट uh, है उसके अकॉर्डिंग तो हमें यही बताना है कि ये जो ओ पी परपेंडिकुलर है ये सेंटर ओ में से पास होता है क्योंकि सर्कल का सेंटर ओ है तो उसके अकॉर्डिंग एंगल ओ पी बी इज इक्ल टू नाइन्टी डिग्री इसको हम इक्वेशन नंबर वन लिख लेते हैं उसके बाद जो हमने इमेजिनेशन की है कि ये परपेंडिकुलर ओ पी जो है ये ओ में से पास नहीं होता ओ डैश में से पास होता है तो फिर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए बी के ऊपर ओ डैश पी तो यहां लिखेंगे बिकॉज ओ डैश पी इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ए बी ये किस लिए है अकॉर्डिंग टू एजम्प्शन अकॉर्डिंग टू एजम्प्शन हमने एज्यूम किया है एजम्प्शन हमने एज्यूम किया है कि ये जो परपेंडिकुलर uh, ड्रॉ किया है ये ओ पॉइंट्स में से पास नहीं होता ये ओ डैश में से पास होता है तो ओ डैश इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी अगर ओ डैश परपेंडिकुलर टू ए बी है तो ओ डैश पी एंगल ओ डैश पी बी इज़ इक्वल टू नाइन्टी डिग्री अब हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर टू लिख देते हैं अगर हम इक्वेशन नंबर वन और टू को देखें तो हम यहाँ पर फिगर के अकॉर्डिंग इसमें क्या है कि ये एंगल हमारी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नाइन्टी डिग्री का होना चाहिए लेकिन जो हमने एज्यूम किया उसके अकॉर्डिंग ये वाला एंगल नाइन्टी डिग्री का है अब बाय फिगर अगर हम लुकिंग बाय लुकिंग एट द फिगर फिगर पर देखें तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है क्योंकि ये नाइन्टी डिग्री का है और ये भी नाइन्टी डिग्री का आ रहा है क्योंकि हमने ये मान के चलें कि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो ये दोनों एंगल फिगर के अकॉर्डिंग इक्वल नहीं हो सकती क्योंकि इसका मेज़रमेंट कम है इसका ज़्यादा है तो एक ज्यादा और एक कम एंगल कभी भी, भी इक्वल नहीं हो सकते तो यहां पर हम लिखेंगे बट एंगल ओ पी बी इज नॉट इक्वल टू एंगल ओ डैश पी बी क्यों बिकॉज फ्रॉम द फिगर फ्रॉम द फिगर जो हमने फिगर बनाई है उसके अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वल नहीं है और ये हो ही नहीं सकते क्योंकि एक एंगल छोटा है एक बड़ा है तो दोनों नाइनटी डिग्री के नहीं हो सकते तो इसका मतलब क्या हुआ देअर फोर आवर सपोजिशन इज रोंग जो हमने स्पोज किया था अवर सपोजिशन इज रोंग जो हमने स्पोज़ किया था वो ठीक नहीं स्पोज़ किया था और इसका मतलब जो हमें गीवन था वही ठीक था तो इससे हमें क्या प्रूव होता है कि देयर फोर ओ इज़ देंटर ऑफ द सर्कल एंड ओडैश इज ओडेश कैन नाट बी कैन नाट बी द सेंटर और अगर ये सेंटर नहीं है तो देअर फोर क्योंकि ओ सेंटर है तो देयर फोर द परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ए पी पासिस थ्रो देंटर ओ और इससे हमें क्या प्रूव होता है देअर फोर दर्क इसमें हमने जो स्टेटमेंट दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग ही हम इसमें इस लिख देंगे दियर फोर द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज

वो जो है उस सर्कल के सेंटर में से पास हो रहा है और सर्कल का सेंटर क्या है ओ तो इसका मतलब हमेशा के लिए ही ये बात जो है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट इज ऑलवेज पासिस इज ऑलवेज पासिंग थ्रू द सेंटर